मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम ZIEI शिक्षा में शून्य नवाचार के अंतर्गत एक रोचक नवाचार आपके सामने विस्तार से बताने जा रहा हूं। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को रोचक तरीके से समझा व दोहरा सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में, अपने विद्यालय में इसको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश के कलरव पाठ्यपुस्तक है कक्षा 4 का एक पाठ है टीसू राजा, जिसमें बच्चा दही बड़े के लिए जिद कर रहा है। इस पाठ को लेकर आए हैं और हम शुरुआत करेंगे हमारे नवाचारों से। इसका नाम है मेडिटेशन और वार्म अप। मेडिटेशन और वार्म अप ऐसे नवाचार है जिससे बच्चों के अंदर स्फूर्ति आती है, बच्चे अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, जिससे कि शिक्षक उनको अपने पाठ की तरफ लेके जाते हैं और उनका ध्यान आकर्षित करते हैं पाठ की तरफ, पाठ के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बच्चों को वो चीज बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, और बच्चों का जब ध्यान लग जाता है, या हम भी कभी जब मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा ध्यान केंद्रित होता है और हमें कुछ भी चीज समझने में आसानी होती है। तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में हम सबसे पहले बच्चों को मेडिटेशन करेंगे सबसे पहले, और मेडिटेशन में बच्चों को आंखें बंद करने के लिए कहेंगे और लंबी लंबी गहरी सांसें लेने के लिए कहेंगे। बच्चे आंखें बंद करके लंबी लंबी गहरी सांसें लेते हैं, और आज हम उनको अनाज के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे। तो हम 3-4 प्रकार के अनाज लेके आते हैं, जैसे गेहूं का, बाजरे का, चावल का, दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, और बच्चों के हाथों में आंखें बंद करे हैं बच्चे, और उनके हाथ में दाल का या चावल का या गेहूं का दाना, बाजरे का दाना दान रख देते हैं। इसके बाद बच्चों को आंखें खोलने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि आपके हाथों में क्या है। तो बच्चे जवाब देते हैं कि सर मेरे हाथ में गेहूं है, मेरे हाथ में दाल है, मेरे हाथ में अरहर की दाल है, मेरे हाथ में चने की दाल है। तो फिर बच्चों से पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। तो बच्चे बताते सर गेहूं, सर चावल, कोई बताते सर दाल अच्छी लगती है, अरहर की अच्छी लगती है, कोई कहता है मूंग की दाल अच्छी लगती है। तो बच्चों से पूछते हैं कि आपको पता है कि दाल का उत्पादन कैसे होता है। हाँ सर, बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार जवाब देंगे, अगर देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो आप उनको बता सकते हैं कि दाल खेतों में उगाई जाती है, और इसके साथ में दाल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। दाल का किसान जब खेती करता है तब दाल उगती है, पैदा होती है, और दाल को हम बहुत पसंद करते हैं। चलो बताओ कि दाल से क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं। बच्चे संभवतः उत्तर देते हैं, अगर नहीं देते तो शिक्षक उनको बताते हैं कि सर सब्जी, दाल, स्वयं दाल बनती है, और बड़े बनते हैं, मंगौड़ी बनती है, और बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार जवाब देते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों को बताते हैं कि आज आप समझ गए हैं कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चे संभवतः उत्तर देते हैं, और अगर नहीं देते हैं तब हम उनको बताते हैं कि आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है टीसू राजा, जहां पर एक छोटा बच्चा है टीसू राजा, जो कि बड़े खाने के लिए अपनी माँ से जिद कर रहा है। तो आइए हम इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। मेडिटेशन के बाद अब बच्चों को वार्म अप की ओर लेकर चलते हैं। वार्म अप में बच्चे स्वस्थ होते हैं, उनका दिन स्फूर्ति भरा होता है, तो बच्चों को थोड़ा सा वार्म अप व्यायाम हम करा देते हैं। इस नवाचार में शिक्षक कविता का पाठ करते हैं, और कविता का पाठ करके उससे संबंधित एक अभिनय करते हैं, और उस अभिनय को बच्चे दोहराते हैं। बच्चों को सबसे पहले खड़ा कर दिया जाता है क्लास में, खड़ा करने के बाद शिक्षक उनको बताते हैं कि मैं जो पढ़ूंगा, मैं जो करूंगा, उसको आपको अभिनय करना है, दोहराना है। तो शिक्षक आते हैं और कविता का पाठ करते हैं, जैसे कि टीसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। तो यहां पर शिक्षक अभिनय करते हैं कि एक टीसू राजा है जो कि दही बड़े मांग रहे हैं, एक अभिनय करते हैं मांगने का, एक रोने का अभिनय करते हैं। यहां पर जब अभिनय किया जाता है तो बच्चे बहुत स्फूर्ति के साथ, बहुत रोचकता के साथ, बहुत ही मजे के साथ इस नवाचार को करते हैं और कविता का पाठ करते हैं, अभिनय करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वार्म अप जब हो जाता है तो बच्चों को बैठने के लिए कहा जाता है, और यहां पर अब बच्चों को कुछ बताने जाते हैं, जैसे कि शब्दार्थ बताना है। तो बच्चों से हम पूछते हैं कि इस कविता में से कौन कौन से कठिन शब्द है जो कि आपको समझ में नहीं आए। तो बच्चे बताते हैं सर
सर छिड़काव समझ में नहीं आया, और अड़े खड़े क्या है सर ये समझ में नहीं आया, इस प्रकार के बहुत से शब्द बच्चे बताते हैं। तो यहाँ पर बच्चों से कहते हैं कि बच्चे सवाल करते हैं और शिक्षक जवाब देते हैं। तो एक बच्चा खड़े होकर सवाल करता है, सर ये अड़े खड़े का अर्थ क्या है? तो शिक्षक जवाब देते हैं कि अपनी जिद पे खड़ा होना। और सर बहुत से ऐसे शब्द यहाँ पर बच्चे बताते हैं और शिक्षक उनके अर्थ बताते हैं, इससे बच्चों को सुन के और अपने अंदर एक आत्मविश्वास का सृजन होता है उनके अंदर। यहां पर शब्द अर्थ के बाद अब बच्चों को तूफान शब्द बताने के लिए बच्चों से पूछते हैं कि एक जैसी ध्वनि वाले कौन कौन से शब्द हैं। तो बच्चे बताते हैं, सर छिड़काव, बड़ाव, अड़े खड़े, बड़े। तो यहां पर बच्चों को बताते हैं जो एक जैसी ध्वनि वाले शब्द हैं उनको तूफान शब्द कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम मेडिटेशन वार्म अप से करते हैं। यहाँ पर हम ग्रिड गेम एक और नवाचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रिड गेम में हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं और ग्रिड गेम में एक ग्रिड जमीन पर या फिर बोर्ड पर आप बना सकते हैं, जहाँ पे खंड होते हैं और उन खंड में आंसर्स लिखे होते हैं। बच्चों से सवाल पूछते हैं और वो जाकर उस आंसर पर टिक लगाते हैं अगर उनको पता है तो। और ये पुनरुत्थान के लिए इस्तेमाल किया जाता है नवाचार ग्रिड गेम जो है, जिसमें हमने जैसे शब्द हमने पूछा कि अड़े शब्द का तुकान शब्द क्या है? तो बच्चे बताते हैं, सर खड़े। अगर पिसवाऊ का शब्द अर्थ क्या होगा? पिसवाऊ यानी पिसवाना, किसी आटे गेहूं को पिसवाना, दाल को पिसवाना। तो अगर बच्चे को पता है तो उस पर जाकर राइट का चिन्ह लगाएगा। ये ग्रिड गेम है तो बच्चे को बहुत चकता से उत्साह के साथ खेलते हैं। तो इस प्रकार से हम इस पार्ट को बच्चों को मेडिटेशन वार्म अप को ग्रिड गेम के माध्यम से समझा सकते हैं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIAEI के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं Facebook पर तो हमारे Facebook पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।